आगे बढ़ेंगे। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर के इम्तिहानात का मामला है। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इम्तिहानात का इनेकाद किया। चेयरमैन टेक्निकल बोर्ड डॉक्टर मोहम्मद नासिर खान नियाजी ने इम्तिहानी मराकज का दौरा किया। पहले टाइम में साले दोम का अप्लाइड मैथ का इम्तिहान होगा, जबकि सेकेंड टाइम में साले सोम का कंप्यूटर मैन एंड सर्विसिंग का इम्तिहान दिया जाएगा। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद रियाज, बताइएगा इम्तिहानी मराकज पर किस किस्म के इंतजाम हैं? इम्तहान का सिलसिला जारी है और पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के जरिए तमाम पंजाब भर में ये इम्तहान के मुताबिक जो है ये पेपर लिए जा रहे हैं और किसी भी किस्म की एसओपी की खिलाफ वर्जी पर मुतलका सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इसी हवाले से चेयरमैन टेक्निकल बोर्ड नाजर हुसैन ने आज मुख्तलिफ इम्तहानी सेंटर्स का दौरा किया, एसओपी का मुआयना किया और सुपरिटेंडेंट को सख्ती से हिदायत की कि अगर कोई भी गैर इखलाकी या गैर कानूनी का जो इम्तहानी सेंटर्स में इंतजाम देखे गए तो मुतलका सुपरिटेंडेंट जिम्मेदार होगा और उनके खिलाफ सीडर के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि इंतजाम पर उन्होंने मुख्तलिफ इम्तहानी सेंटर में विजिट करने के बाद जो है इत्मीनान का इजहार भी किया। जी, इत्मीनान का इजहार किया गया है। जुनेद रियाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस हवाले से बताया जा रहा है कि सुपरिटेंडेंट को कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर के इम्तिहानात हो रहे हैं। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इन इम्तिहानात का इनेकाद किया है और चेयरमैन टेक्निकल बोर्ड डॉक्टर मोहम्मद नाजिर खान नियाजी की जानिब से इम्तिहानी मराकज का दौरा करते हुए तमाम तर इंतजाम का जायजा लिया गया और इब्तदाई तौर पर उनकी जानिब से इंतजाम को तसल्ली बख्श करार दिया गया है, जबकि सुपरिटेंडेंट इम्तिहानात को खसूसी तौर पर इस हवाले से हिदायत जारी करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना एसओपीज को खास तौर पर कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए।